हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज आप लोगों को एक फिर से पर्यटन क्षेत्र दिखाने वाला हूं। पीछे आप लोग देख सकते हैं सुपौल जिला में आप लोगों का स्वागत है। तो आज आप लोगों को सुपौल जिला का पर्यटन क्षेत्र में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दिखाते हैं। तो मैं आ चुका हूँ कपिलेश्वर मंदिर, जो मेरे पीछे देख सकते हैं, जो बिहार का एक ऐतिहासिक मंदिर है और प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ महाशिवरात्रि के दौरान जो है काफ़ी संख्या में भक्त जो है पूजा के लिए आते हैं। तो ये पर्यटन क्षेत्र में आप लोग यहाँ आ सकते हैं। तो अब चलते हैं, अगला जो आपको होगा पर्यटन के क्षेत्र में जो आप सुपौल में घूमना चाहेंगे उसे दिखाते हैं दोस्तों। तो मैं अभी आ गया हूँ सुखपुर में। ये सुखपुर का तिलेश्वरनाथ महादेव मंदिर है, जो दूर दूर तक शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। काफ़ी प्रचलित मंदिर है। यहाँ पर रविवार और सोमवार को काफ़ी श्रद्धालु जो है पूजा करने के लिए आते हैं। ये जो अभी यहाँ का मौजूदा शिवलिंग है, ये जो मंदिर का तल जो है इससे 10 फीट गहराई में है, वो शिव में रुचि रखते हैं, शिव के प्रति आस्था है, वो जरूर आइएगा। काफ़ी खूबसूरत सा है। और ये रहा अपना मंदिर। हाँ जी दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ गणपतगंज, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं गणपतगंज। ये मेरे पीछे विष्णु मंदिर है, जो बेसर शैली से आधारित है, बेसर शैली से लिया गया है ये मंदिर का। आप अभी तो बंद है, ये बताया गया है कि आप, मैं आसपास पूछा हूँ तो बोला गया कि 4 बजे खुलेगी। तो आपको पूरे देश भर में एक अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ये जो आपको मंदिर है, ये चेन्नई के कांचीपुरम वास्तुकला आधारित बनाया गया है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये मंदिर का आपको सामने का गेट है, जिसे गोपुरम बोलते हैं। मैं आप लोगों को अंदर तो जाके नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन बाहर से ही कुछ कुछ चीज़ें मैं सोचा बता देता हूँ। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। किसी को भी अगर आना हो तो गणपतगंज ज़रूर आइएगा भाई, बहुत खूबसूरत सा मंदिर है। ये चेन्नई का कांचीपुरम मंदिर से मिलता जुलता है, आपको अनूठी वास्तुकला शैली जो है काफ़ी मिलता जुलता मिलेगा आपको। और यहाँ का पूजा अर्चना जो होता है अंदर में, वो भी चेन्नई आधारित ही होता है। हाँ जी दोस्तों, तो मैं अभी हूँ धराड़ा में। तो ये मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं, इसे भीमशंकर महादेव मंदिर कहते हैं। धराड़ा में होने के कारण ये धराड़ा मंदिर नाम से भी जाना जाता है। इसकी काफ़ी सारी, बहुत सारी ऐतिहासिक कहानियाँ प्रसिद्ध है। इस मंदिर को महाभारत काल के समय का मंदिर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान विराटनगर नेपाल जाने के क्रम में पांडव पुत्र भीमसेन ने आराध्य भगवान शिव की पूजा की थी, और तब से ही इस मंदिर का नाम भीमशंकर महादेव पड़ गया। काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर है। यहाँ विष्णु मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा, और सामने आपको बहुत खूबसूरत सा तालाब है, ये देखिए। काफ़ी अच्छा लगेगा आकर के कभी। गणपतगंज से थोड़ी ही दूर पे है, अगर कोई भी आना चाहे तो आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको आकर के। तिंटोलिया का मंदिर देख रहे हो भाई, कितना खूबसूरत सा मंदिर है। चलते हैं अंदर और बात करते हैं, देखते हैं क्या नज़ारा है अंदर का। तो ये तिंटोलिया का आपको दुर्गा मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर है। आप यहाँ पर आओगे तो आपको काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ के मंदिर पे ना आपको दीवार पे जो देवी देवताओं का जो मूर्ति है उकेरा गया है, जो आपको बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य दिखाएगा। मैं आपको वो एक वीडियो दिखा दूंगा, जैसे कि आप लोग देखिए ये ऐसा ही आपको काफ़ी खूबसूरत सा चारों तरफ उकेरा गया है देवी देवताओं का। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है।